नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट कम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसका नाम है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉरपोरेट सेक्टर की सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको शॉर्ट टर्म में हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकल पड़ते हैं आज की वीडियो पर। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, हमारे देश में या विदेशों में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हम अपने देश के बारे में बात करें, रिलायंस हो गई, टाटा, बिरला, विप्रो, इन्फोसिस, ये अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। फिर चाहे वो पेड़ों की कटाई हो, चाहे वो पानी का इस्तेमाल हो बड़े बड़े आपके अपने मशीन्स चलाने के लिए, फिर या वो कोयले का इस्तेमाल हो, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं अपनी बड़े बड़े जेबों को भरने के लिए। ये इनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेट हो रहा है, जो आपका वातावरण में टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, मानसून का कोई अता पता नहीं है, उसके पीछे का कारण भी यही सारी चीज़ें हैं। डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, देन देयर आफ्टर आपको पता है कि कोयला एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन कॉरपोरेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये पैसे, बड़े बड़े पैसे बनाते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उस कुछ पैसों में से, उन पैसों में से कुछ पैसे ये कॉरपोरेट सोशल फंड के तौर पर आपका जमा करें, और यही कहलाती है आपकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम अप्रैल 1, 2014 से लागू हैं। इसके अनुसार वो कंपनियां जिनका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या सालाना आय 1000 करोड़ की या सालाना लाभ 5 करोड़ का है, तो उनको CSR पर खर्च करना ज़रूरी है। यह खर्च 3 साल के औसत लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। CSR नियमों के अनुसार CSR के प्रावधान केवल भारतीय कंपनियों पर लागू नहीं होते, बल्कि यह भारत में विदेशी कंपनियों की शाखा और विदेशी कंपनी के परियोजना कार्यालय के लिए भी लागू होते हैं। मतलब वो कंपनी जिनकी 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है या 1000 करोड़ रुपए का उनको सालाना लाभ हो रहा है, या तो उनका जो लाभ है, उनकी आय अगर 1000 करोड़ की है या उनका सालाना लाभ अगर 5 करोड़ रुपए का है, तो उनको अपने 3 साल का जितना भी लाभ है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा और 2% एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जमा करना होगा। ये आंकड़े बताते हैं 2016 के कि सबसे ज़्यादा रिलायंस ने इस CSR में खर्च किया है, करीब 760.6 करोड़ 2016 में। उसके बाद ONGC, इन्फोसिस, TCS, ITC, NTPC, NMDC, टाटा स्टील, ऑयल इंडिया एंड विप्रो। तो ये वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर पैसे देती हैं इस फंड में। तो उम्मीद है अब आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, नॉलेज को फैलाइए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।